गुरु खुशवंत जी, मैंने आपका पूरा परिचय सुना, आपने जो है समाज के हजारों लोग बैठे हैं उनको बताया, आपको वधु कैसे चाहिए? मैंने तो अभी बताया, अब बहू तो अभी वो बताया भी है, बेटा भी बताया है कि भी सुंदर और सुशील और शिक्षित संस्कारी होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खान पान रहन सहन जो सादा, हमारे बाबर घासीदास जी की संस्कृति, वो उस संस्कार से पला बड़ा हो। इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है ताकि यहाँ पर आके सब एक दूसरे का परिचय दें और यहीं पर शादी विवाह संपन्न हो। खालसा स्कूल में जो है सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं, और गुरु बालदास जी और सबसे महत्वपूर्ण जो औरंग के विधायक हैं और उनके बेटे हैं गुरु खुशवंत साहब, उन्होंने भी आज जो है अपना परिचय दिया है और सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। आपने भी जो है परिचय दिया, आखिर संदेश क्या है? निश्चित ही आप देखते होंगे कि पहले जब पुराने ज़माने में जब किसी को वर वधु की आवश्यकता होती तो ढूंढने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन आज सभी समाजों के द्वारा और विशेष रूप से हमारे सतनामी समाज के जो समिति है जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया है ताकि युवक युवतियों को ढूंढने में ज़्यादा समय भी ना लगे, साथ ही जो फिजूल खर्च होते हैं वो भी बच सके, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है ताकि यहाँ पर आके सब एक दूसरे का परिचय दें और यहीं पर शादी विवाह संपन्न हो। गुरु खुशवंत जी, मैंने आपका पूरा परिचय सुना, आपने जो है समाज के हजारों लोग बैठे हैं उनको बताया, आपको वधु कैसे चाहिए? मैंने तो अभी बताया कि जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, खान पान रहन सहन अच्छा हो, और जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश है खानी बानी श्यानी का, उस संदेश के अनुरूप हो, ऐसी वधु के लिए हमने अपनी इच्छा जाहिर की है। हमारे साथ जो है सतनामी समाज के गुरु बालदास जी भी हैं, देखिए आप वो बैठे हुए हैं। बालदास जी, इससे पहले भी आपके बड़े बेटे ने जो है इसी तरीके से सार्वजनिक रूप से जो है ये अपना परिचय दिया था और उनकी शादी भी इसी के माध्यम से लगी थी, आप क्या कहेंगे समाज को? मैं इस कार्यक्रम को जो हमारे सतनामी समाज का जो परिचय सम्मेलन और आदर्श विवाह जो होता है ये सभी समाज में हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत फायदे की बात है, फिजूल खर्ची से लोग बचते हैं। और पहले पुराने ज़माने में हम लोग जो बड़ा बेटा जो मेरा था जिसका मैं विवाह किया आदर्श विवाह, उसके लिए मैं बहुत खोज ढूंढ किया अपने वधू बहू के लिए, और अंत में हमारे ये कार्यक्रम हुआ तो मैं उस कार्यक्रम में आया हुआ था तो मेरे को ये सब चीज़ अच्छा लगा और समाज को एक संदेश देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और समाज के अधिकारी कर्मचारी हैं और किसान मजदूर भी हैं, तो किसान मजदूर तो जल्दी तैयार हो जाते हैं लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि बड़े जो लोग हैं वो तैयार नहीं होते थे, तो उन सबको मैसेज देने के लिए मैंने अपने बड़े सुपुत्र का इनमें आदर्श जो विवाह हुआ। मुझे बताइए कि आपने पहले अपने बड़े बेटे की शादी यहीं से की, दूसरे बेटे के लिए भी लगे, अभी ये विधायक हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल है, तो बहू कैसे मिलेगी और आप कैसा चाहते हैं कि कैसे बहू आए? अब बहू तो अभी वो बताया भी है, बेटा भी बताया है कि भी सुंदर और सुशील और शिक्षित संस्कारी होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खान पान रहन सहन जो सादा, हमारे बाबर घासीदास जी की संस्कृति, वो उस संस्कार से पला बड़ा हो, और एक माता के रूप में आए, गुरु माता के रूप में हमारे घर में आएंगे तो लोगों को उससे एक सीख और प्रेरणा मिले अन्य लड़कियों को और अन्य माता बहनों को, ताकि गुरु परिवार में जिस संस्कृति सभ्यता से हम लोग रहते हैं और समाज को शिक्षा देते हैं कि भी बाबर घासीदास जी के बताए मार्ग पे चलना, ऐसा करके तो हमको वो शिक्षा देने के लिए हमको खुद को बाबा जी के जो संदेश उपदेश उसको पालन करना पड़ता है, उसी से लोग सीख और प्रेरणा लेते हैं। तो आपने सुना गुरु बालदास जी और गुरु खुशवंत जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये मैसेज जो है पूरे समाज में जाना चाहिए कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अपना परिचय जो है समाज के अंदर ही दें, क्योंकि शादी भी जो है समाज के अंदर ही करनी है, और निश्चित रूप से इस मैसेज का बड़ा व्यापक प्रभाव जो है सतनामी समाज पर जाने वाला है या जा रहा है। कैमरा मैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।